क्वेश्चन 6 से शुरू करते हैं, क्लास 7 और चैप्टर नंबर 13। चैप्टर का नाम है मोशन एंड टाइम। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन इट्स, जो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड है किस पे डिपेंड रहता है? आपको वेट ऑफ द बॉब पे, लेंथ पे, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। आपको लेंथ पे डिपेंड रहता है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। आइए आंसर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ टाइम, इनमें से टाइम में टाइम का मेजरमेंट के लिए कौन सा इस्तेमाल नहीं होता है? तो हो सकता है ऑप्शन नंबर ए लीकिंग टेप इस्तेमाल हो सकता है, सिंपल पेंडुलम इस्तेमाल होता है, शैडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग ए डे ये भी आपको नापने में इस्तेमाल हो सकता है टाइम का, लेकिन ब्लिंकिंग ऑफ आइज ये इस्तेमाल नहीं हो सकता है। आइए आंसर देखते हैं, आंसर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ऑन विच एक्सिस इज अ डिपेंड वेरिएबल रिप्रेजेंटेड, जिसमें वेरिएबल जैसे में एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस हुआ और ये वाई एक्सिस है, तो इसमें किसके ऊपर वेरिएबल होता है? तो आपका वाई एक्सिस पे आपका ये वेरिएबल होता है, इस पर डिपेंड करता है। ये आंसर देखते हैं आपको वाई एक्सिस सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। द करेक्ट सिंबल टू रिप्रेजेंट द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, आपका ऑब्जेक्ट का स्पीड को रिप्रेजेंट करने के लिए स्पीड का रिप्रेजेंट कैसे होता है? आपको मीटर पर सेकेंड, ये आपको है सिंबल। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आंसर देखते हैं आपका ए राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 5 मीटर पर सेकेंड। द करेक्ट सिंबल टू रिप्रेजेंट स्पीड ऑफ मीटर, आपको मीटर पर सेकंड होगा, सेकंड पर मीटर नहीं होगा, आपका ए आंसर होगा इसमें, ये आपका ए होगा 5 मीटर पर सेकंड। मीटर पर स्पीड इक्वल टू डी बाई टी होता है, और डी किलोमीटर को कन्वर्ट कीजिए मीटर में, और से टाइम को जो है मिनट को सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड होगा, ये आपका करेक्ट सिंबल होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। भज्जू वॉक टू हिज स्कूल विच इज ए डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर फ्रॉम हिज होम इन 30 मिनट, भज्जू का ये घर है, ये मान लीजिए घर है, और ये आपका स्कूल है, स्कूल और घर का डिस्टेंस जो है 3 किलोमीटर है, और उसको टाइम लगता है 30 मिनट, लेकिन ऑन रीचिंग ही फाइंड डैट स्कूल इज ए क्लाउड, पहुँचने के बाद स्कूल पहुँचने के बाद उसको पता चला कि स्कूल बंद है। कम बैक बाई ए बाइसिकल विथ हिज फ्रेंड, और अपने वापस आया फ्रेंड के साथ, उसको 20 मिनट लगा, कितना मिनट लगा? 20 मिनट लगा, कितना वापस आया? 3 किलोमीटर ही वापस आया, तो टोटल आपको किलोमीटर हो गया 6, एवरेज आपको स्पीड निकालना है, तो स्पीड इक्वल टू डी बाई टी हम लोग जानते हैं, डिस्टेंस बाई टाइम, तो ये आपका डिस्टेंस हो गया 6 किलोमीटर, और टाइम दोनों का टाइम जोड़ दीजिए 50 मिनट, 20 50, और इसको हमको आवर में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर पर आवर पूछा है, तो ये स्पीड इक्वल टू 6/50/60, तो 6 × 60 = 50, ये कट गया 36 बाई आपको 5। स्पीड इक्वल टू 36/5 आएगा, और इक्वल टू 7.2 कैलकुलेशन करने के बाद, ये आपका बी आंसर हो गया, आंसर बी सही है। अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ना किए हैं तो मेरे चैनल का नाम है टूलर, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और इस बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे इस तरह के वीडियो देखने के लिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।